एक बड़ा संकेत इस बात का है कि दल बदलू लोगों को इस बार जनता जो है वो सबक सिखाने के लिए तैयार है। आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेकर देखिए, वहां पर समाजवादी पार्टी को 1,24,000 वोट मिला और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का गठबंधन जो था, जिसमें कि राजभर जी की पार्टी उनके सहयोग में थी, निषाद पार्टी उनके सहयोग में थी, अपना दल उनके सहयोग में थी, महान दल उनके सहयोग में थी, ये सारी पार्टियां मिलकर प्रचार कर रही थी। उत्तर प्रदेश के मंत्री गांव गांव में लगे हुए थे प्रचार में। डबल इंजन की सरकार है मोदी और योगी की, बावजूद इसके 43,000 मतों से हारे। ये बहुत बड़ा संकेत है लोकसभा चुनाव के लिए, और ये इस बात का भी संकेत है कि अडानी वाले हारेंगे और इंडिया वाले जीतेंगे। जो इंडिया के साथ खड़े हैं वो जीतेंगे, जो अडानी के साथ खड़े हैं वो हारेंगे, ये इस बात का भी संकेत है। दूसरा मुद्दा चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी। देखिए, ऐसा है कि दुर्भावना की राजनीति से कार्रवाई करना कतई ठीक नहीं है, और आपने तो देखा कि जो वहां की सरकार है, उनकी पार्टी है, वो पूरी तरीके से मोदी जी के इशारे पर काम करती है। तो हो सकता है बीजेपी और वाईएसआर की जो पार्टी है जगन रेड्डी की, दोनों ने मिल के निर्णय लिया हो कि चंद्रबाबू नायडू जी की गिरफ्तारी करनी है, और इसके कारण ये। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 समिट के दौरान अपने संबोधन में कहा कि सबका साथ सबका विकास, सबके प्रयास से ही हम सभी देशों को ग्लोबली आगे लेके जा सकते हैं और डेफिसिट से खत्म कर सकते हैं। तो देखिए, सबका साथ सबका विकास तो होना ही चाहिए, लेकिन मणिपुर से क्या संदेश देते हैं जब आप 4 महीने तक भारत के प्रधानमंत्री मणिपुर की हिंसा पर नहीं बोलेंगे? तो ये सबका साथ सबका विकास तो है नहीं। अगर नूह की मेवात की हिंसा पर देश के प्रधानमंत्री खामोश रहेंगे तो ये सबका साथ सबका विकास तो है नहीं। अगर पहलवानों बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार पर प्रधानमंत्री खामोश रहेंगे तो ये सबका साथ सबका विकास एक कोरा नारा साबित होगा, बावजूद इसके कि वो आपको जमीन पे कुछ सच्चाई के रूप में दिखाई पड़े। तो जमीन की सच्चाई अलग है, प्रधानमंत्री जी का बोलना अलग है, और मैं समझता हूँ कि इसीलिए अब इन नारों का कोई असर जनता के ऊपर नहीं पड़ता। जब प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल के अजीत पवार को अपने साथ शामिल करते हैं, जब प्रधानमंत्री वंशवाद के खिलाफ बोलकर वंशवादी पार्टियों को अपने साथ मिलाकर चलते हैं, तो उनकी सच्चाई अब देश के सामने आ चुकी है। राष्ट्रपति डिनर होस्ट करने वाले हैं G20 डिनर, उसमें सभी मुख्यमंत्रियों को सभी बड़े नेताओं को बुलाया गया, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्ष के नेता उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया, कांग्रेस पार्टी से लेकर सवाल खड़े कर राहुल गांधी। देखिए, ये बहुत बड़ा अपमान है मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, बहुत बड़ा अपमान है। वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ भी राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है, और लीडर ऑफ अपोजिशन का अपना एक कैबिनेट रैंक होता है, उसका अपना एक संसदीय लोकतंत्र में महत्व है, और आप उसको नहीं बुला रहे। जो व्यक्ति 52 साल से इस देश की राजनीति में, राज्यसभा के अभी लीडर ऑफ अपोजिशन रहे अभी हैं, और लोकसभा के भी लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, विधानसभा में भी रहे, कई बड़े बड़े पदों पर रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, और ऐसे व्यक्ति को आप आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, ये क्या संदेश आप देना चाहते हैं? या जो विदेशी मेहमान भी आए हैं वो क्या सोचेंगे आपके बारे में? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, पूरी दुनिया में हम अपने लोकतंत्र का डंका पीटते हैं, और यहाँ अपने नेताओं से इस तरह का भेदभाव का आचरण करने में ठीक नहीं। आम आदमी पार्टी ने कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 10-10 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की, आपको चुनाव हाँ निश्चित रूप से पिछले दिनों हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केजरीवाल जी भी दोनों राज्यों में प्रचार के लिए गए थे, और राजस्थान में भी प्रचार के लिए गए थे। अभी इसकी शुरुआत हुई है, 10-10 सीटों पर हमने उम्मीदवार की घोषणा की है, और आगे जैसे जैसे नाम फाइनल होते जाएंगे। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने भारत लिखा, क्योंकि ये तो संविधान हमारा कहता है इंडिया दैट इज भारत। जो इंडिया गठबंधन बना उसने लिखा जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, तो हम तो भारत और इंडिया दोनों ही मानते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो प्रधानमंत्री जी बात बात पे खेलो इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, हर चीज में इंडिया कहते हैं और बार बार अपील करते हैं वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, आप मुझे बताइए वो प्रधानमंत्री अब कह रहे हैं कि साहब
हम इंडिया का नाम बदल के भारत कर देंगे, इसलिए कि इंडिया के नाम से गठबंधन बन गया, कल को भारत के नाम पे गठबंधन बन जाएगा तो भारत का नाम बदल के वो लिख देंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ बीजेपी, फिर कोई गठबंधन बीजेपी के नाम से बन गया तो उसको बदल के वो कर देंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ कांग्रेस, कुछ भी कर देंगे। मतलब ये क्या है, ये कैसा मजाक है? आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा रहता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, आपके नोट के ऊपर लिखा रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, IIM हो, IIT हो, एम्स हो, इसरो हो, कहीं इंडिया है कहीं इंडियन है, सब आप बदल दोगे। भारत छोड़ो आंदोलन जब हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने नारा दिया तो कहा क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ये कौन सा तुम, मतलब मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप देखिए सुनिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि ये क्या खुद से बोलते थे, आप दूसरे किसी की बात छोड़ दीजिए, ये स्वयं क्या बोलते थे। प्रधानमंत्री जी का ये वीडियो है, क्या कहते थे सुनिए आप। देखिए आप, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, ये तो प्रधानमंत्री जी खुद कहते थे। तो अब इसलिए कि इंडिया गठबंधन बन गया उससे इतना ज्यादा डरे हुए, और कल के परिणाम और हैरान करने वाले, इनको और डर पैदा इनके मन में हो जाएगा।